विशाल पांच सिर वाला सांप और डायमंड मुर्गी चुड़ैल और नागिन। मुर्गी चुड़ैल के राख में बदलने के बाद नागिन वहां से चली गई थी, पर अभी वहां आकर एक विशाल पांच मुंह वाले नाग ने चुड़ैल की उस राख को समेटकर एक पोटली में बांधकर रख दिया और वो मंदिर की ओर देखता हुआ उस पोटली को लेकर वहां से चला गया। उस पांच सिर वाले नाग की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके मन में उस चुड़ैल को फिर से उसके रूप में लाने की योजना पकने लगी थी। इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम तो मुझे मिली नहीं, तुम्हारी राख जरूर मिल गई। चिंता मत करो चुड़ैल, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाऊंगा। हम दोनों मिलकर नागिन से हमारा बदला लेंगे, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा वो हीरा उस नागिन से वापस हासिल करना पड़ेगा। चुड़ैल को फिर से जीवित करने का एक ही तरीका था, उसका वो शक्तिशाली हीरा जो नागिन ने और उन पुजारी ने महादेव के मंदिर में सुरक्षित छुपा कर रखा था। चुड़ैल के मरने के बाद नागिन भी निश्चिंत हो चुकी थी, पर उसे कहां पता था उसका और एक दुश्मन उसके दूसरे दुश्मन को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगा है। उस नाग ने ही चुड़ैल की राख को सुरक्षित जगह पर रख दिया और मंदिर से वो हीरा चुरा कर ले आया। उस हीरे को राख के बीचों बीच रखकर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ऐसा करते ही राख फिर से चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। मैं फिर से जिंदा हो गई। किसने मुझे जिंदा किया? कौन है वो मसीहा? वो दुष्ट नागिन कहाँ है? मैं उसे खत्म कर दूंगी। जरा शांत हो जाओ चुड़ैल, इतना ज्यादा उत्साह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी ताकत पहले ही बहुत कम है, और हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फिर से जिंदा किया है, और अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे साथ मिलकर उस नागिन को खत्म करने में मेरी मदद करो। चुड़ैल खुशी खुशी उस पांच मुंह वाले सांप से हाथ मिला लेती है। चुड़ैल खुशी के मारे नाचने लगी थी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर ये क्या, उसका जादू ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। तब कहीं उस विशाल पांच सिर वाले सांप ने उसे बताया कि उसकी ताकतें अभी तक उसे वापस नहीं मिली। नागिन ने बड़ी ही चालाकी से उस हीरे की ताकत किसी और जगह सुरक्षित रख दी थी। हीरे में बस इतनी ही ताकत बची थी कि वो चुड़ैल को पुनर्जीवित कर सके, और इसी में उस हीरे की ताकत खत्म हो गई। अब अगर उसे अपनी शक्तियां वापस पानी है तो नागिन से उन शक्तियों को छीनना पड़ेगा। चालाक नागिन, बड़े ही चालाकी से तूने इस हीरे की शक्तियों को छुपा कर रखा है, पर अब ज्यादा दिन तेरी चालाकियां काम नहीं करेगी। मैं वापस आ चुकी हूँ, चलो जल्दी करो, चलकर उस नागिन से मेरी शक्तियां वापस लेकर आते हैं। वो दोनों नागिन से अपना बदला लेने की योजना बना रहे थे। वो नागिन को भी हीरे की चोरी होने का पता चल चुका था। पुजारी जी के ध्यान में बात आते ही उन्होंने नागिन को आगाह कर दिया कि मंदिर से हीरा चोरी हो चुका है। नागिन की समझ में बात आ गई थी कि कोई दुष्ट ही ऐसा कर सकता है, इसलिए वो पूरी तरह से आने वाले दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थी। उसे ये भी पता था कि वो चोर हीरे की शक्तियां पाने के लिए वापस जरूर आएगा, और वो उनकी खातिरदारी एकदम से अच्छे करने वाली थी। नाग और चुड़ैल दोनों मंदिर तक पहुंच चुके थे, पर मंदिर के सामने नागिन को खड़ा देख दोनों बदले आग में और भी जलने लगे। चुड़ैल को जिंदा देख नागिन को हैरानी हुई, और साथ में पांच सिर वाले सांप को देखकर वो समझ गई कि उसका पाला किससे पड़ने वाला है। चुड़ैल की बात सच साबित हो गई। नागिन उस हीरे की पूरी शक्तियों के साथ उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। नागिन से बाहर निकलती लहरों से ही चुड़ैल समझ गई थी कि नागिन के अंदर उस हीरे की सारी शक्तियां है। इस बात को समझते ही चुड़ैल ने वहां से भागने की कोशिश की, पर नागिन ने उसकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया और अपनी आंखों से निकलते जादुई किरणों से उस चुड़ैल को फिर से राख के ढेर में बदल दिया। ओ नहीं,
से नहीं। कितनी बार ये चुड़ैल इस नागिन से हारेगी? लगता है इसे अब मुझसे ही हारना पड़ेगा। कोशिश करके देख ले दुष्ट, तेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। नागिन और पांच सिर वाले सांप में जंग छिड़ गई। वो सांप भी काफी शक्तिशाली था, पर ज्यादा देर तक नागिन की शक्तियों के सामने वो टिक नहीं पाया और देखते ही देखते नागिन के मुंह से निकले आग की लपटों ने उसे भस्म करके रख दिया। उसके भस्म होते ही वो हीरा जमीन पर आकर गिर पड़ा। नागिन ने तुरंत उसे उठाया और पुजारी जी को सौंप दिया। अंडरग्राउंड स्नेक ट्रैप। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी एक बड़ा ही विशाल ऐसा एक हीरा लेकर अंडरग्राउंड में छुपा कर रख देता है और उस बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन उस हीरे के बारे में वह एक किताब में लिख कर रखता है। समय बीत जाता है और उस हीरे के बारे में कोई भी नहीं जान पाता। वक्त के साथ साथ काफी कुछ बदल जाता है और आज की तारीख में एक गांव बदलापुर में उसी आदमी की पीढ़ी चलती रहती है और उन्हीं के वंश पुनीत और विनीत नाम के दो भाई रहते हैं। एक दिन ऐसे ही वो घर की सफाई करते रहते हैं कि तभी उन्हें एक किताब मिलती है। पुनीत उस किताब को देखता ही रहता है और विनीत को बताता है। अरे विनीत, ये देखो, ये तो हमारे किसी पुरखे ने लिखी हुई किताब है। अच्छा, हमारे पूर्वज किताबें भी लिखते थे? इतने होशियार थे वो। पुनीत उस किताब के दो पन्ने पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी किताब में ही डूब जाता है और पूरी किताब पढ़ लेता है। वो पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चलता कि दूसरा दिन निकल आया है। उसका भाई विनीत उसे कहता है, अरे बड़े भैया, कौन सी लव स्टोरी पढ़ रहे हो जो इतना गुम हो गए हो इस किताब में? अरे छोटे भाई, इस किताब में कोई लव स्टोरी नहीं, किसी हीरे के बारे में लिखा है जो हमारा है, और वो हीरा कहां और किस जगह पर रखा है उसका सारा विवरण इसमें ही दिया है। क्या कहा, हीरा और हमारा? अरे बाप रे, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? पुनीत सारी किताब की बातें विनीत को बता देता है और दोनों उस जगह पर जाने की ठान लेते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही दोनों तैयारी करके उस हीरे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। पुनीत पूरी बात विनीत को नहीं बताता कि उस हीरे की रक्षा के लिए कोई बड़ा सांप वहां पर रहता है। दोनों भाई जंगल से जाते रहते हैं, तभी उन्हें एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है। उस अंडरग्राउंड में जाते ही एक बड़ा सा सांप उनके पास आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाई वहां से बचकर निकल जाते हैं। अरे भाई, ये इतना बड़ा सांप कहां से आया? अरे ये सांप यहीं पर रहता है और उस हीरे की रक्षा करता है। क्या कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कितना बड़ा है वो मालूम है? अगर पहले ही तुझे बता दिया होता तो तू यहां तक कभी नहीं आता। अरे लेकिन वो बहुत बड़ा है यार, चलो चलते हैं यहां से, जाने दे, मरने दे उस हीरे को। लेकिन पुनीत विनीत की एक भी बात नहीं सुनता और उस सांप को ट्रैप करने का प्लान करता है। बेचारे विनीत को ना चाहते हुए भी पुनीत की मदद करनी पड़ती है। दोनों उस सांप पर नजर रखते हैं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को वो समझ लेते हैं। और एक दिन उस अंडरग्राउंड के बाहर वो बहुत बड़ी ऐसी टोकरी बनाकर उसके अंदर अंडे रखते हैं। उन अंडों की गंध से वो सांप अंडरग्राउंड से बाहर आता है और टोकरी के अंदर अंडे खाने चला जाता है। जैसे ही वो सांप उसमें जाता है, पुनीत रस्सी खींच लेता है और सांप उस टोकरी में बंद हो जाता है। दोनों बड़े खुश होते हैं। ये पकड़ लिया सांप को, अब हमारा हीरा लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम अमीर हो गए। मजे करेंगे हम तो। दोनों सांप पकड़ने का जश्न मनाते ही रहते हैं कि उधर सांप जादुई होने के कारण वहां से निकल जाता है और दोनों भाई के पीछे पड़ जाता है। दोनों भाई डर के मारे तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक नदी किनारे आते हैं और उन्हें वहां पर एक साधु महाराज दिखाई देता है। दोनों उनके पास जाते हैं। पुनीत उनसे पूछता है, बाबा बाबा हमें बचा लीजिए, बाबा एक बहुत बड़ा सा सांप हमें मारना चाहता है, हमें बचा लीजिए।
वो साधु महाराज तुरंत ही एक मंत्र बोलता है और वो सांप छोटा होकर वहां से चला जाता है। वो साधु महाराज पुनित से पूछता है तो पुनित उन्हें सब कुछ बता देता है। महाराज कहते हैं, तुम दोनों को पहले उस नाग देवता की पूजा करनी होगी, तभी वो हीरा तुम ले सकते हो बेटा। महाराज की बात सुनकर दोनों फिर से उस अंडरग्राउंड गुफा में जाते हैं और उस नाग देवता की पूजा करते हैं। पूजा करते ही वो हीरा तेजी से चमकने लगता है और पुनित जाकर उस हीरे को वहां से निकाल लेता है। दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं और उस हीरे को बेचकर अमीर बन जाते हैं।